हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में विथहेल्ड या प्रमोटेड ये वगैरह लिख के आ रहा है, तो उनके लिए एक आगामी परीक्षा में मौका दिया गया है। आइए आपको दिखा दें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किए गए इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के बारे में। 2021 के घोषित परीक्षा फल में सम्मिलित कोई भी इच्छुक परीक्षार्थी विथहेल्ड श्रेणी, प्रमोटेड श्रेणी, अनुपस्थित श्रेणी या कम अंक प्राप्त करने वाले, जो उक्त परीक्षा फल में प्राप्त अंक या परिणाम में सुधार हेतु एक या एक से अधिक विषयों में अंक सुधार चाहते हैं, तो उनके द्वारा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इनसे संबंधित सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है ये, और आवेदन किए जाने हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके देखते हैं आवेदन किए जाने हेतु दिशा निर्देश। आवेदन किए जाने हेतु दिशा निर्देश इस तरह से दिए गए हैं, जिसका परीक्षा परिणाम जो है 31/7/2021 को घोषित किया गया था, और जो अभ्यर्थी इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, भले ही एक से अधिक विषय में देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। जिनके रिजल्ट में विथहेल्ड या जो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्रमोटेड लिख के आ रहे हैं, वो परीक्षा दे सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि देख सकते हैं आप, 27/8/2021 रखी गई है। वो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र भर के दे सकते हैं। उसके बाद जो वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से प्रतिदिन अपलोड करेंगे, और अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक है। ये आवेदन पत्रों का विवरण प्रधानाचार्य के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, आप देख सकते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी अभिलेख वगैरह एक बार है तो प्रधानाचार्य द्वारा वो सुनिश्चित कर लिया जाए, उसकी त्रुटि को सही कर लिया जाए, अभिलेख गलत ना अपलोड हो। संबंधित परीक्षार्थी जो अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, वो इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और 27/8/2021 की शाम 5 बजे तक अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा दें। देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। इस तरह से ही आवेदन पत्र का प्रारूप होगा, आप यहां से डाउनलोड करके इसे भर के अपने प्रधानाचार्य को दे सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा का नाम रहेगा जिसकी आप परीक्षा देने चाहते हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। दूसरा आपका अनुक्रमांक, तीसरे नंबर पे आपका नाम रहेगा, चौथे पे आपके पिता का नाम, पांचवे पे आप माता का नाम लिखेंगे, छठे पे विद्यालय कोड अगर पता है तो लिखिए, नहीं तो ये विद्यालय द्वारा भरा जाएगा। सातवें में अपने विद्यालय का नाम लिखिए, आठवें में परीक्षार्थी एक विषय अथवा एक से अधिक विषय में अगर सुधारित परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप एक से लेकर छह तक विषय दिए गए हैं, एक में देना चाहते हैं एक में दे सकते हैं, एक से अधिक विषयों में भी परीक्षा आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया है तो नवे कॉलम में आप वो भी भर सकते हैं। उसके बाद मैं के आगे ब्लैंक कॉलम छूटा हुआ है, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, ये परीक्षार्थी और घोषणा है, और ये आपको परीक्षार्थी यानी आपको हस्ताक्षर करने होंगे और दिनांक भरनी होगी, अभिभावक के भी हस्ताक्षर लेने होंगे। उसके बाद ये आपको 27 अगस्त की शाम 5 बजे से पहले पहले अपने प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा देना होगा। तो ये थी यूपी बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन। जिनके विथहेल्ड या प्रमोटेड वगैरह लिख के आ रहा है, वो अपना एग्जाम चाहे तो दे सकते हैं।